नमस्कार, मार्केट गपशप के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे। और आज की चर्चा बेहद खास होने वाली है। आप यहां देख के समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं अनलिस्टेड शेयरों की। खेला हो गए, बड़ा खेला वहां पर हो रहा है और इसी खेल की हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। अनलिस्टेड शेयर अगर आपको खरीदने हैं तो उसका तरीका क्या है, कहां पर आप जाकर शेयर खरीद सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि बाजार में इस रिकॉर्ड तेजी के बीच में एनएसई का शेयर 3,450 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है। एक साल में 11% का रिटर्न दिया है और ये रिटर्न मिला है एनएसई के अनलिस्टेड शेयर में। अब इस तमाम चर्चा के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अनलिस्टेड शेयर होते क्या हैं, कहां पर इनको खरीद सकते हैं, कैसे कमाई करा रहे हैं, इनके के लिए रेगुलेशन क्या है और क्या कहीं ये शेयर खरीद कर अगर कहीं से मिल भी जाते हैं तो हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, और आईपीओ आने के बाद इन शेयरों क्या होता है। इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और सिर्फ जवाब नहीं देंगे, आपको कौन से शेयर अनलिस्टेड स्पेस में खरीदने हैं इसमें हमारे दो एक्सपर्ट मदद भी करेंगे। और अगले आधे घंटे में हम आपको पूरा का पूरा ये सिनेरियो क्लियर कर देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि अनलिस्टेड शेयर में मौके कैसे बन रहे हैं और आपको करना क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा खेल होता है और इसी को हम डिकोड भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनलिस्टेड शेयर खेलाओ पे। तो शरद हमारे साथ हैं। शरद बताएं, हमने ना बिल्कुल आपकी जो भाषा है आप जो बंगाल में बोलते होंगे उसी को ध्यान में रखकर नाम रखा है ये। जी बिल्कुल, फुटबॉल में होता है खेला हो गए, लेकिन अब बाजार में भी खेला हो गए हो रहा है। आप अनलिस्टेड ले लीजिए, अब लिस्टेड ले लीजिए, एंड ऑफ कोर्स बुल मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट प्राइवेट मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। तो खेला हो गए तो उनके लिए हो रहा है ना जिनको पता है शरद जी, बिल्कुल लोगों को पता भी नहीं। जैसे ना अभी कुछ दिन पहले जब एनएससी का ये भाव आया ना कि अनलिस्टेड में इतना रिटर्न मिल रहा है, इस पर पहुंच गया है, तो तमाम लोगों के मन में सवाल उठे और मुझे कुछ फोन कॉल भी आए कि आखिर ये हो क्या रहा है, बीएससी तो शेयर लिस्टेड है खरीद सकते हैं, ये एनएससी कहाँ मिलेगा। तो ये जो सवाल है ना कि अनलिस्टेड शेयर मिलेगा क्या कहाँ पर, पहले तो ये बताइए कि अनलिस्टेड शेयर होता क्या है और अगर मुझे लेना है तो कहाँ मिलेगा ये। जी बिल्कुल, सो बेसिकली जो है प्राइवेट प्लेसमेंट होती है अनलिस्टेड शेयर्स में। अभी आपकी जो है प्राइवेट कंपनीज होती हैं और याद रखिए बड़े कंपनीज भी होते हैं जो लिस्टेड नहीं है स्पेस पे। अब खरीदने की बारी होती है, कैसे खरीदी जाती है, तो एक ये प्रोडक्ट होती है ओवर द काउंटर, यानी कि कोई एक्सचेंज नहीं होता है। अब ओवर द काउंटर में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रीसेलर रहते हैं, ब्रोकर्स रहते हैं, जहाँ पे ये ओवर द काउंटर किए जाते हैं। पर याद रखिए अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए आपका एक बायर भी होना ज़रूरी है, तब जाके ये ट्रांजैक्शन होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो। सर एक बीच में एक सवाल आ गया, ये बताइए कि जो हम चर्चा करते हैं कई बार ना ग्रे मार्केट्स की, ये ग्रे मार्केट्स की तरह ही है या उससे थोड़ा सा अलग है मामला? ये ग्रे मार्केट जो है हम लोग जनरली आईपीओ के टाइम पे देखते हैं। अब ये भी क्या होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो है अंदर में जो है आईपीओ के बाद जो होता है प्री आईपीओ लेवल के बाद जो है ट्रेडिंग होता है, तो उसमें प्रीमियम पता चलता है या डिस्काउंट पता चलता है। तो इस पे जो है ओवरऑल वही आपको शेयर की मोमेंटम पता चलता है, तो थोड़ी सिमिलैरिटी ज़रूर है, लेकिन जो अनलिस्टेड स्पेस में है बात करें तो वहाँ पे ये उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहता है अभी के लिए। ठीक है, ये चीज़ तो होगी कि होता क्या है, अनलिस्टेड शेयर ये कंपनी के ही शेयर होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि ये अनऑफिशियल तरीके से ये ट्रेडिंग होती है, इलीगल नहीं है, करेक्ट? जी बिल्कुल, इलीगल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई बैकिंग नहीं है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के जो है ओवरऑल कोई बैकिंग नहीं है कोई एक्सचेंज पे जहाँ पे ट्रेड होती है, ओवर द काउंटर है। तो इस पे कोई रिसेलर रहेगा तो कोई बायर रहेगा, अब इन दोनों को बीच में कोई जोड़ेगा तब जो है आपका ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन एक चीज, काउंटर मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक एक्सचेंज तो नहीं है पर एक इंडिविजुअल है, आप अपने शेयर्स जो है बेचते हैं किसी और को। अब क्या होता है इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास शेयर्स आए हैं कि नहीं, तब जो है आपको अपने CDSL या NSDL के अकाउंट देखने पड़ते हैं उनके वेबसाइट से। तो लाइव बेसिस पे जिस दिन आपने सौदा किया है तो उसको शाम को जो है आपके जो है आपके शेयर्स दिख सकते हैं, फेस वैल्यू दिख सकते हैं, ISIN कोड दिख सकते हैं, तो उस तरह आपको पता चल सकता है कि आपने जो है ये स्टॉक जो है खरीदारी की है। ऑफ कोर्स 2 या 3 दिन का जो आप कह सकते हैं ब्रोकरेज साइट में भी आएगा पर थोड़ी लैग रहती है, तो इस तरफ से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका अनलिस्टेड स्पेस के इन्वेस्टमेंट्स भी, और आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं। ठीक है, अभी बताइए क्या लिस्टेड में तो हमें पता है कि कंपनी आईपीओ लाती है, आप उसमें आवेदन कर दीजिए या फिर कंपनी लिस्ट हो गई वहाँ पर जाके शेयर खरीद लीजिए,
तो हमें भरोसा है, कहीं ना कहीं फेथ है, ट्रस्ट है कि कंपनी ला रही है, उस पर सेबी का रेगुलेशन है, उसकी नज़र है, प्राइसिंग से लेके तमाम चीज़ों पर DRHP फाइल करता है, उस पर तमाम सवाल उठाए जाते हैं कि नहीं आपने ये गलत किया है, ये गलत लिखा है, फिर से दीजिए। लेकिन अनलिस्टेड भी ये शेयर कौन जारी करता है? क्या ये कंपनी के थ्रू ही जारी हो रहे हैं या फिर कंपनी में जिन्होंने प्री IPO जिन निवेशकों ने पैसे लगा रखे होते हैं, जिन्होंने शेयर ले रखे होते हैं, वो शेयर जारी कर देते हैं? ये दोनों तरीके से होते हैं। कंपनी भी जो है कभी कभी शेयर आते हैं, और कभी कभी क्या होता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के ESOPs रहते हैं तो वो भी जो है अनलिस्टेड मार्केट में वो बेचते हैं। तो इसके कारण जो है दो या तीन तरीक़े से जो है इंपॉर्टेंटली ये शेयर्स जो हैं आपके प्राइवेट मार्केट्स में देखने लगते हैं। और सिंपली अगर देखा जाए तो इवन स्टार्टअप्स की भी बात करें तो जहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट आता है। तो ये आपका पूरा प्राइवेट या अनलिस्टेड स्पेस का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होता है। ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है। आखिर तक ये हमारी गारंटी है कि आपको ये पूरा का पूरा मसला समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने शायद सुना होगा अनलिस्टेड के बारे में ज़्यादा विस्तार से कहीं भी, आपको कम से कम टेलीविजन पर तो ये जानकारी कहीं भी नहीं मिली होगी। ये फर्स्ट टाइम है बिजनेस टेलीविजन के इतिहास में कि हम अनलिस्टेड शेयरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अनलिस्टेड शेयरों को खरीदने बेचने के मैकेनिज्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इस स्पेस से जुड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी हम चैनल पर लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके लिए हम डिकोड करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट, unlistedassets.com के फाउंडर मनीष खन्ना हमारे साथ हैं, और इसके अलावा पाइपर सरिका के अभय अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, अनलिस्टेड जो ही नाम सुनते हैं ना तो थोड़ा सा मन में शक सवाल खड़े होते हैं कि कितना सेफ है, क्या ठीक भी है लेना ये। कई बार वैल्यूएशंस देख के, कई बार भाव सुन के, रिटर्न सुन के मन में लालच जरूर आता है, लेकिन आप जरा ये दुविधा को दूर कीजिए, क्या सेफ्टी इसमें लिस्टेड शेयरों की तरह है या थोड़ा सा जोखिम है लिस्टेड के मुकाबले? देखिए, जोखिम थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है मैं कहूंगा। थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर हम लिस्टेड स्पेस से कंपेयर करें तो अगर मैं रिलायंस का शेयर ले रहा हूँ, TCS का शेयर ले रहा हूँ, जो छोटी कंपनी जो लिस्टेड है, तो एक वो सेबी और आज फिर हेलो जी, बिल्कुल अभय अभी जी, एक चीज़ और बताइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, जैसे जो पहले इन्वेस्टर्स है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है अभय, उनके लिए जो है अगर अनलिस्टेड स्पेस पे इंटरेस्ट है, उनको जो है स्पेस पे आना है, तो उनके लिए आपके लिए क्या सलाह रहने वाली है, ज़रा ये बताएंगे जी। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा स्पेस है, जो थोड़े इन्वेस्टर्स हैं जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं कंपनी को रिसर्च करने में, और वो इसलिए कि यहाँ पे आपको एक लोअर वैल्यूएशन का फायदा मिलता है। वो फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि एक तो ये कंपनीज की ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रहती है, तो आपको आसानी से इनकी एनुअल रिपोर्ट या इस पे कोई भी एनालिस्ट कवरेज नहीं रहता है, तो अनडिस्कवर्ड स्टॉक्स हैं और बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं नाम लूं, मोहन मीकिंस है जिनका ओल्ड मॉक ब्रांड नेम है, बहुत जाना माना, और या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज है, या फिर और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इस तरह की काफी कंपनीज हैं इस स्पेस में जिसमें जो अच्छे निवेशक हैं वो थोड़ा समय स्पेंड करके एक अपना व्यू बना सकते हैं इसके बारे में। और पर यही है कि एक ये इलिक्विडिटी रहती है इसमें, इसमें जैसे कितने भी हजारों लाखों शेयर पब्लिक मार्केट में आप ट्रेड कर लें, इसमें वो ट्रेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा शरद, दूसरे साइड पे भी एक ट्रेडर होना चाहिए, और जो स्प्रेड भी होती है बाय सेल प्राइस में, वो भी मैंने देखा है कई बार बहुत ज्यादा होती है जब लिक्विडिटी नहीं होती है सिस्टम में। तो ये दो चीजों को मद्देनजर रख के अगर एक इन्वेस्टर जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करें जो इस जो स्पेस को कवर करता है, जो उनको बता सके कि इन्वेस्टर के पास क्या क्या ऑप्शन है। और सबसे लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टर्स एक वैल्यू डिस्कवरी करें, सिर्फ प्राइस मोमेंटम पे नहीं जाएं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कई बार प्राइस बहुत जोर से बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि यही शेयर ले लेना चाहिए, पर वहीं पे गलती हो जाती है। तो बेटर ये है कि अपना रिसर्च करके और इन्वेस्टेड रहें, ज्यादा ट्वीक ना करें पोर्टफोलियो को, तो मुझे लगता है इसमें रिटर्न बनाने की बहुत अच्छी संभावना है। ऑडियो दोगे उसका?
मनीष जी, आपसे सवाल उठता है कि ओवरऑल जो है हमने तो बात की कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए अनलिस्टेड स्पेस में क्या जो है चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, थोड़ी लीगैलिटी पे ज़रा बताएं कि ये ओवरऑल ये लीगैलिटी क्या है, इसका पूरा सेटअप आप बताएं कि क्या होता है, क्या इन्फोर्सेबल होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या होते हैं, इस लीगैलिटी पे आप ज़रूर टिप्पणी दीजिए अनलिस्टेड स्पेस में। जी बिल्कुल, तो अगर मैं इनकी लीगैलिटी की बात करूं तो लीगैलिटी में पहले इसको मैं क्लासिफाई करूंगा तीन बास्केट में, बिकॉज यहां पे हम अगर पूरी अनलिस्टेड मार्केट को डिवाइड करते हैं तो वी क्लासिफाई इनटू थ्री बास्केट। वन, पहली बास्केट वो है जो अर्ली स्टेज कंपनीज की, दूसरी वो जो ग्रोथ स्टेज कंपनी, तीसरी वो जो प्री आईपीओ मार्केट है। अब इसमें चाहे टेक कंपनी हो या नॉन टेक कंपनी हो, ऑब्जेक्टिव लीगैलिटी के पर्पज से अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिसमें प्री आईपीओ की अगर हम बात करें, वहां पे जहां लिक्विडिटी है, जहां मोर एक्शन इज टेकिंग प्लेस, वहां पे आपके लिए फ्री ट्रेड कई जगह अवेलेबल है, बिकॉज जहां आप डीआरएसपी फाइल कर देते हो आप एक तरह से पब्लिक लिमिटेड बन चुके हो, पब्लिक के लिए लिस्टिंग में जा रहे हो, तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं और आप उसमें फ्रीली ट्रेड कर सकते हो इन दो स्टॉक्स, अगर कोई ऑफर या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इवन बिफोर डीआरएसपी फाइलिंग। बट जहां आप अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज में लगाते हो, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि यहां पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शन है, ऑफर है, आपको सबसे पहले कोई ना कोई अप्रूवल बोर्ड का, शेयर होल्डर का या किसी आर्टिकल एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, तो वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिकॉज कंप्लायंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स। तो लिस्टेड में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, अनलिस्टेड में आपको यही रिस्ट्रिक्शन आती है, और अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज में 100% आपको मान के चलिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होंगी, अनलेस नेटल कंपनी आपको कंफर्म कर दे कि यस देयर इज नो। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लीगल डिस्प्यूट फ्यूचर के लिए, कोई लिटिगेशन ना आए रिटेलर को भी बेसिकली या इंस्टीट्यूशन को भी, इंस्टीट्यूशन तो 100% चेक करते हैं कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और वो कंपनी से भी वेरीफाई कर लेते हैं, बट रिटेलर नहीं चेक कर पाता। इसलिए एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑन दैट फ्रंट कि लीगैलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको कंप्लायंस होना चाहिए, अदरवाइज दी स्टॉक्स आर फ्रीली ट्रेडेबल स्टॉक्स। तो ये तो बात हुई पूरी ओवरऑल, लेकिन जो है अभिषेक, मैं जो हूँ एक साल का परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनलिस्टेड शेयर्स में जो सबसे टॉप ट्रेंड ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए उसमें एनएसई की तो बात हो रही है, जी बिल्कुल, और हमने सीएसके का नाम भी सुना है, जी बिल्कुल, हीरो फिनकॉर्प भी है उसमें, जी बिल्कुल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है, तीन चार शेयर के बारे में मैंने तो सुना है। आपने ओल्ड मॉन्ग का नाम सुना है? ओल्ड मॉन्क मोहन मैकन करके कंपनी है। अच्छा। जिसने अनलिस्टेड स्पेस में वो ट्रेड होती है, लेकिन हम थोड़ा बताते एक साल में जर्नी क्या रहा है। हाँ बताइए, शुरू करें यार। हाँ हाँ बिल्कुल, तो एपीआई होल्डिंग फार्मेसी की जो होल्डिंग कंपनी है वो देखे तो ऑलमोस्ट 61% का जो है डाउनटिक देखने मिला है। अफकोर्स जो स्टार्टअप्स होते हैं, यहाँ के भी कुछ टेक आईपीओ होते हैं जिनके आईपीओ आ रहे हो, उनके भी थोड़ी अनलिस्टेड शेयर्स में आ गए हैं स्पेस, लेकिन करेक्शन हुआ है तो देखिए अब 61% है। वही टाटा टेक जो हाल ही में आईपीओ आने वाला है, वहाँ पे देखिए तो स्टॉक दो गुना हो चुका है, 102%। अभिषेक, 18 साल में बाद टाटा ग्रुप की कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये देखिए तौर पर शरद एक उत्साह का माहौल है, और टाटा का जो इतना बड़ा जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड रिकॉल है, एक जो इज्जत है, रसूख जो है, उस पर भी लोग दांव लगा रहे होंगे। 102% के रिटर्न बहुत हमें दिख रहे हैं। अब शरद ये बताइए कि मान लीजिए कि ये रिटर्न मुझे मिल रहे हैं मेरे, तो ये दिखिए क्या मेरे ये डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, कहाँ पे आएंगे, कहाँ मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ? आप जो है अपने रिटर्न्स को नहीं देख सकते, आप नंबर ऑफ शेयर्स या उसके फेस वैल्यू देख सकते हैं। जब आप ये रिटर्न मुझे खुद से कैलकुलेटर लेके जोड़ना होगा? नहीं, आपको जो है बात करना पड़ेगा आपके रीसेलर से, और जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर वो देख सकते हैं रियलाइजेशन कैसे देखने मिलेंगे। और इसके अलावा लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेयर्स पे, तो आप फोकस करेंगे केयर हेल्थ, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और सीएसके के। सीएसके हुई आपकी आईपीएल की कंपनी, आईपीएल रिलेटेड है, इंडिया सीमेंट्स की। यहाँ पे देखें तो 19% का इजाफा आया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स देखें 55% गिर चुका है। एंड ऑफकोर्स याद रखिए एक बायबैक का भी जो है ऑफर आया है रिलायंस रिटेल का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक गिरावट देखने आई है, और जो भाव आई है 1362 पे आ रही है, और ENY ने इस भाव को लगाया है 894 का। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड मिले जुले जो है नतीजे देखने मिल रहे हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो हीरो फिनकॉर्प, NSE, इस पे भी जो है फोकस रहेगा, और NSE जो है अच्छे नंबर्स लाए हैं, और डिविडेंड यील्ड वाली थीम वाली स्टॉक है। अब यहाँ पे अनलिस्टेड स्पेस में जो है 3450 का है, रिटर्न जो है लगभग 11% का देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी है अभिषेक, इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ओवरऑल यहाँ पे रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है, और ये जो है हमें रीसेलर्स जो है हमें ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आकर्षक रिटर्न्स हैं इन शेयरों में, और कई बार क्या होता है कि लगता है कि मार्केट में आने से पहले इन शेयरों को खरीद लिया जाए जो रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। जो सोच मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होती है शरद,
तो आप छोटे पैमाने पर इसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, और छोटा बड़ा हो रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है। आप जब सोचते हो, जैसे कोई अनलिस्टेड में आप सोचते हो कभी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो या कोई सुपर HNI हो, लेकिन अब जो है रिटेल आ रहा है। अब रिटेल में आप देख रहे छोटे छोटे टिक साइजेस 20,000 50,000 इसके भी डील्स जा रहे हैं। हमने देखा रीसेलर्स के ऐप में, तो वहाँ पे छोटे डील्स जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में जा रहे हैं। तो इसके कारण जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अभिषेक, कि जो पब्लिक मार्केट्स में आता है वो प्राइवेट मार्केट भी फॉलो करता है आजकल। सो वो प्राइस में जो है देखने लगता है, तो मूवमेंट्स भी आता है। अब इसमें ना एक पेंच है जो मेरे मन में भी उठ रहा है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी उठ रहा है। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि हमने शेयर ले लिए, हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ पेचीदगी आती है, कुछ हमें लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो चूंकि रेगुलेटेड तो है नहीं ये मार्केट ये। जी बिल्कुल। तो किसके पास जाएंगे, कुछ है रेगुलेशन इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई रेगुलेशन तो ऐसा नहीं है, और इसमें लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं। अगर आपको बायर नहीं मिला तब जो है वो स्टॉक आपके पास रह जाता है, जब तक अब बायर नहीं मिलेगा तो आपको एग्जिट नहीं मिलता है। और एक दूसरा एग्जिट ऑफकोर्स होता है IPO, जो इवेंचुअली कंपनी का एक्सपेक्टेड है वो आए। लेकिन इसमें यही एक रिस्क रहता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन पे भी आगे जा सकते हैं आप, तो इसमें रिस्क रहता है और गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं रहती है, कोई एक्सचेंज पे ये ट्रेड नहीं होता है, तो इसलिए जो है रिस्क भी है और इसमें जो है लिक्विडिटी इशू भी आता है। ये दोनों बहुत अहम बात है। ठीक है, तो रिस्क जो आती है, जो प्लेटफॉर्म्स ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, अनलिस्टेड शेयरों में आप ट्रेड करने के जो मौके दे रहे हैं। अब हमारे पास मनीष तो हैं, मनीष से जान लेते हैं। जी बिल्कुल। मनीष जी, आपके पास भी तमाम ऐसे हो सकते हैं कि फ़ोन कॉल्स आते होंगे जिनको एग्जिट चाहिए होता होगा, कि अच्छा मेरा मन भर गया या फिर मेरे रिटर्न्स मेरे मन के माफिक आ गए, अब मुझे निकलना है। लेकिन जो शरत बता रहे हैं कि जब तक कोई बायर मिल नहीं रहा है तो थोड़ा सा ना लिक्विडिटी वाली दिक्कत होती है और वो ट्रेड सेटल करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, आप ऐसे लोगों के लिए क्या रास्ते क्या रूट सुझाते हैं? करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये शरद ने जो मुद्दा उठाया है बेसिकली लिक्विडिटी का, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व कि हम लिक्विडिटी को ही सॉल्व करें। और लिक्विडिटी दोनों तरफ से आती है, बिकॉज अगर आप मान लीजिए ईसॉप के लिए लिक्विडिटी है, या एक रिटेलर के लिए या एक इंस्टीट्यूशन के लिए, तो इंस्टीट्यूशन भी हमारे पास आते हैं और हमारे पास रिटेलर भी आते हैं, जिनको अपना पुरानी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉफिट पे हो या ब्रेक इवन हो या लॉस पे हो, उनको कई बार एग्जिट करनी होती है एंड वो हमें अप्रोच करते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी फंड भी एग्जिट देख सकता है, VC फंड भी एग्जिट करता है, इवन रिटेलर भी एग्जिट करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर पूरा हो गया और उनको रिटर्न आ गई, वो हमारे पास आएंगे और इवेंचुअली हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक इकोसिस्टम है, सो डिपेंडिंग कि क्या टिकट साइज है, मैं उससे खुद भी बुक पे माल ले सकता हूँ कि हाँ एक हमने छोटी सी क्वांटिटी थी खुद खरीदी और कुछ दिन बाद हमने कोई बायर ढूंढा और उसको वो प्लेस कर दी। और अगर बड़ा लॉट है तो हम बुक पे नहीं, उसको बेसिकली अपनी इवेंचुअली इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट कर देते हैं। तो बहुत आजकल फैमिली ऑफिसेस भी आ गए हैं जो इंस्टीट्यूशन की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, टिकट साइज भी उनके काफी प्रीटी लार्ज है। मतलब मान के चलिए आप 5 करोड़ 10 करोड़ से स्टार्ट करके 100 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वो अपनी बुक से कर रहे हैं, और इसमें बहुत प्रोमिनेंट नेम फैमिली ऑफिसेस हैं जो इन्वेस्टेड मार्केट में काफी अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का गैप है। अगर वो वैल्यूएशन जैसे शरद ने बताया और अभिषेक ऑल्सो यू मस्ट हैव ऑल्सो कैप्चर्ड कि मार्केट का बिड और आस्क का जो स्प्रेड है वो बुल मार्केट में बेसिकली नैरो हो जाता है, बियर मार्केट में वो वाइड हो जाता है, और कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है जैसे ही आपका पुल ओवर आता है और बुल मार्केट स्टार्ट होती है। आज की मार्केट जैसे अभी लास्ट 2 से 3 महीनों में हम देख रहे हैं काफी रिबाउंड हुई है और बहुत इंक्वायरीज हैं बाय साइड की, इवन सप्लाई में कई बार इश्यूज आ रहे हैं। तो अच्छे काउंटर को बेसिकली जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिनके IPOs आने हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, जिनके डायनेमिक्स KPIs अच्छे हैं, तो दे आर परफॉर्मिंग। और अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर वाइज हमारे पास कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टर हमारे पास खुद अप्रोच कर रहे हैं कि हमें ये सप्लाई चाहिए इन इन सेक्टर में। मान लीजिए क्लीन टेक है आपका, कुछ आपका मान लीजिए ESG है, तो थीम बेस्ड बेसिकली इन्वेस्टमेंट जहां पे उनको पता है कि मार्केट EVs है, तो EV में भी अगेन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ऑल दिस स्पेसेस जहां पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एंड रिटेलर इंटरेस्ट दोनों का इंटरेस्ट है, बिकॉज दोनों ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी ठीक है, ठीक है, मनीष जी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है शरद की क्या कुछ हो सकता है और इनकी तरफ से क्या कोशिश होती है। तो ये इनकी कंपनी है unlistedassets.com, एक तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, अब लोगों को नाम ही याद हो गया, मनीष जी से सबका तारुफ भी हो गया, परिचय भी हो गया कि कौन है। आप ये बताइए कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं इसी की तरह?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले ऑफकोर्स अनलिस्टेड एसेट्स है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट कैपिटल है, रूराश फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर आपके अनलिस्टेड कार्ट है। तो ये चार पांच बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं जो रीसेलर्स हैं, जहां पे आप जाके जो है अपनी ट्रेड कर सकते हैं या अपनी ट्रेड दे सकते हैं बाई के लिए, और अगर इवेंचुअली सेल करना हो तो ये जो है कुछ कुछ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर्स की जो है डीलिंग देखने मिल रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कैपिटल, रूराश फाइनेंशियल सर्विसेज, अनलिस्टेड कार्ट और अनलिस्टेड एसेट्स डॉट कॉम, ये तो ऊपर है ही। लेकिन मनीष जी, एक सवाल आपसे और, जैसे हम शेयर ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, तो हमें तमाम तरह की जो टैक्सेशन वाली जो प्रणाली होती है, एसटीटी तो हम देते ही देते हैं, इसमें टैक्स वाला गणित क्या होता है जरा ये बता दीजिएगा, और इसमें आपकी ब्रोकरेज फीस वगैरह जो होती है वो किस तरह से काम करती है और कितनी होती है वो? देखिए, दो तरह से इसको हम मैं आपको पहले टैक्स का एंगल क्लियर कर देता हूँ। टैक्स आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे आपका लिस्टेड में रहता है वैसे ही यहाँ पे भी रहता है, सिर्फ फर्क इतना है रेट का और प्लस इन्वेस्टमेंट का पीरियड का। सो लिस्टेड में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको वहाँ 12 महीने की होल्डिंग करनी है शॉर्ट टर्म, अगर उससे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे वो 24 महीने हो जाता है। टैक्स रेट में बेसिकली डिपेंड करता है अगेन आप मार्जिनल टैक्स, बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म पे खेल रहे हो लॉन्ग टर्म का टैक्स अगेन 22% है, तो इवेंचुअली इफेक्टिव टैक्स जो आता है आपका वो 22% है। बट क्योंकि कोई भी अगर अनलिस्टेड स्पेस में, स्टार्टअप स्पेस में, चाहे वो अर्ली स्टेज हो, ग्रोथ स्टेज हो या प्री आईपीओ हो, एक शॉर्ट टर्म होराइजन से लगाता ही नहीं है, तो आई वुड से कि आप लॉन्ग टर्म से लगा रहे हो तो आपका 20+ सरचार्ज एंड टैक्स, इफेक्टिव टैक्स एक्चुअली कम्स टू अराउंड 22%। इट कैन एक्चुअली इंक्रीज अगर आप हायर ब्रैकेट में आते हो। तो मैं शॉर्ट टर्म को अगेन टैक्स को अगेन इंडिविजुअल की अपनी आईटीआर से कोरिलेट करता हूं, बट लॉन्ग टर्म बेसिकली बिकॉज इन्वेस्टर जो आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है यहां पे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो ऑब्वियसली ये मार्केट वैसे भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए है नहीं, ट्रेडिंग कर सकते हो आप बट इफेक्टिव टैक्स अगेन विल बी हाई। और शॉर्ट टर्म के लिए हमारा कोई भी मार्केट में ट्रेडर है, पार्टिसिपेंट है, इवेंचुअली अगर अपनी वो बुक से ट्रेड करता है तो अगर वो होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली मान के चलिए उसको, यू नो, अगर वो 1 महीना या 10 महीने या 5 महीने भी होल्ड कर रहा है तो अपने हिसाब से वो मार्केट का रिस्क लेके कर रहा है, और वो किसी भी प्राइस पे बेचेगा तो वो मार्केट का प्राइस के अकॉर्डिंगली ही बेच रहा होगा। और अगर वो बैक टू बैक ट्रेड कर रहा है कि अपनी बुक्स पे लेके इमीडिएटली उसने ट्रांसफर कर दिया या किसी बायर को कनेक्ट करा दिया सेलर से, तो जनरली 1% कमीशन बेसिकली मार्केट चार्ज करती है। ठीक है, क्लियर सर, बहुत ही अच्छे आसान भाषा में आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने क्लियर कर दी चीज़ें। अब है आपके पास आएंगे, अब इसमें एक चीज़ बचती है कि जैसे कि मनीष ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, आप लॉन्ग टर्म आइए। और इसमें होता ये भी है कि जिसके पास समझ होगी, जिसके पास कहीं ना कहीं विजन होगा या फिर उस कारोबार को, स्पेस को अच्छे समझ रहा होगा, वो तो आएगा लेगा अनलिस्टेड स्पेस में। लेकिन क्या इसमें कहीं फंसने का जो खतरा है वो ज़्यादा होता है, एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिए। और आप ये बता दीजिए साथ ही साथ कि अगर किसी को अनलिस्टेड में कुछ लेना हो तो आपके टॉपिक्स कौन सी हैं इस वक्त? अभय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सॉरी, ये मैं इसमें कहूंगा जो आपने खतरे की बात कही उसको मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा। एक तो कि आपने गलत स्टॉक ले लिया तो उसमें आपका लॉस हो गया, और उसके उदाहरण अभी हमने देखे। तो ये एक खतरा है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उतना इजीली अवेलेबल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स को। कई रिटेल इन्वेस्टर्स ना बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं लिस्टेड स्टॉक्स में क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा अपना रिसर्च करके कि वो पहला कौन सा स्टॉक लें। और दूसरा जो बड़ा रिस्क है इसमें वो है इनलिक्विडिटी का, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये एक ओवर द काउंटर मार्केट है, ये एक लिस्टेड नहीं कि आप तो जब मन करे आपने बेच दिया और जब मन करे ले लिया। तो इनलिक्विडिटी भी इसमें एक खतरा है। तो ये दो चीजें जो हैं, पर इनका इन रिस्क की वजह से, इन खतरों की वजह से रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। जैसे अभी शरद ने दिखाया आपको एक उदाहरण टाटा टेक्नोलॉजीज का, 1 साल में डबल हो गया, और वो इसीलिए हो गया क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में था। जब तक लोगों की नजर में आया तब तक उन्होंने बड़े इन्वेस्टर्स से अपनी रिसर्च की, उसकी वैल्यू डिफाइन की, तब तक जो पहले इन्वेस्टर्स आ चुके थे उनको अच्छा रिटर्न मिला। तो एक उदाहरण है इस बात का कि रिस्क का फायदा भी मिलता है, पर रिस्क इसमें लिस्टेड से ज्यादा है। एक तो मेरी ये बात आपके पहले सवाल के जवाब में, और दूसरा अगेन सिंस हमारा एक पीएमएस है तो मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ
उसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, नॉट एज अ पीएमएस बट पर्सनली, बिकॉज पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में अनलिस्टेड स्टॉक्स होल्ड करना अब अलाउड नहीं है सेबी के गाइडलाइंस की वजह से. तो जो मुझे लगते अच्छे लगते हैं अनलिस्टेड में, जो वैल्यू प्लस रिटर्न जो दिख रहा है अभी, टाटा टेक्नोलॉजीज उसमें डेफिनेटली नंबर वन नाम पे आता है. दूसरा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है. मोहन मीकिंस जिसका शरद ने उदाहरण दिया, ओल्ड मॉन्क, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और वैल्यू इसकी अगर वैल्यूएशन देखूं तो काफी रीजनेबल है. अभी भी मेरे ख्याल से 20 टाइम से कम पी मल्टीपल पे चल रहा है, जबकि जो इसके लिस्टेड पीयर्स हैं वो सारे 40-45 टाइम के रेंज में हैं. तो मुझे लगता है ये 3-4 स्टॉक्स अच्छे हैं. एक सीएसके भी है जो हमने एक्चुअली जब वो पहली बार इश्यू हुआ था तब हमने लिया था 15 रुपए के लेवल पे, और अभी भी मुझे लगता है उसमें काफी दम है. जैसे आईपीएल की फ्रेंचाइज बढ़ेगी वो भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए. शेयर्स जो अभय के रडार पर हैं, आप उनको देखिए, समझिए, उसके बारे में पता कीजिए और आप चाहे तो ले सकते हैं. आखिर में मनीष आपके पास आएंगे, आप भी बताइए कि आपकी टॉपिक्स क्या हैं, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा आप. टॉपिक्स, सॉरी डिडंट गेट योर क्वेश्चन. जी जी, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप. मनीष आपके जो टॉप पिक्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में, अगर आप कुछ शेयर करें तो हमारे व्यूअर्स के लिए. सो एज इवन सीएसके इज आवर टॉप पिक आई वुड से, बिकॉज हमें भी लग रहा है कि काफी पोटेंशियल है वहाँ इवन एट करंट लेवल्स. यहाँ से हमें 250 या 300 का भाव हमें दिखता है एक्चुअली, जो बुल मार्केट में भी था. और इसके अलावा हमें स्टरलाइट पावर, हम काफी बुलिश हैं. और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अर्ली स्टेज भी हैं, उन पे भी हम बुलिश हैं, बट वो शायद हो सकता है स्टॉक अभी अवेलेबल ना हो. एंड इसके अलावा हम अभी कुछ ओयो पे हम बुलिश हैं, ओयो बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा चुकी है ऑलरेडी, और उस पे भी हम काउंटर पे काफ़ी काम कर रहे हैं. प्लस एक पॉलीमेटिक करके कंपनी है, उस पे हम काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. एंड वी आर हाईली कन्विक्शन एक्चुअली ऑन दो स्टॉक. सो पॉलीमेटिक इज ए यू नो सेमी कंडक्टर चिप कंपनी, तो इन काउंटर्स पे बेसिकली हम काफ़ी बुलिश हैं. ठीक है, तो अभय के और मनीष के शेयर आपको पता चल गए. और ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आप अनलिस्टेड में पैसे लगा सकते हैं, क्या कानूनी अड़चनें हैं, लिक्विडिटी को लेकर क्या जोखिम है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिकोड करने की कोशिश की. और उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ हमारी बातचीत हुई आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि लिस्टेड स्पेस के बाहर जो मौके बन रहे हैं वो कितने आकर्षक हैं और उस पर कितना रुझान है निवेशकों का. शरद, ये बहुत बढ़िया टॉपिक चुनने के लिए आपको बहुत बधाई, और हम शुक्रिया करना चाहेंगे अभय जी का और मनीष जी का कि आज आए हमसे जुड़े और इस मुद्दे पर बातचीत की. फिलहाल मार्केट गपशप के इस खास एडिशन में इतना ही. आप बने रेडियो नमस्ते देश के साथ. नमस्कार.